भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह का नाम 2 मार्च की शाम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है। पवन सिंह खुशी से झूम रहे हैं, सोशल मीडिया पर बीजेपी आलाकमान का शुक्रिया अदा करते हैं। शाम से रात और फिर दूसरा दिन यानी इतवार 3 मार्च की दोपहर उरूज पर भी नहीं पहुंची थी कि सुपरस्टार पवन सिंह का सियासी सफर जवाल पर जाता यानी डूबता दिखा। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बीजेपी आलाकमान का आभार जताते हुए अपनी उम्मीदवारी से कदम पीछे खींच लिए। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बस इतना कहा कि किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अब रात ही रात में क्या खेला हो गया कि कुछ घंटों पहले तक आसनसोल से बीजेपी का टिकट मिलने से फूले नहीं समा रहे पवन सिंह ने सरेंडर ही कर दिया। आइए जानते हैं इसकी इनसाइड स्टोरी। दरअसल इसके पीछे टीएमसी और कांग्रेस का भी बड़ा रोल है। तो हुआ ये कि जैसे ही आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम का ऐलान किया, टीएमसी और कांग्रेस नेताओं जिनमें अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर अभिषेक बैनर्जी और बाबुल सुप्रियो भी शामिल रहे, इन्होंने पवन सिंह की भोजपुरी फिल्मों और एल्बम्स के गीतों के टाइटल्स को एक बार फिर मंजरे आम पर जारी कर दिया और ये मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि पवन सिंह के ये गीत बेहद फहश हैं और बंगाली लड़कियों को टारगेट करके बनाए गए हैं और अब वो बंगाल में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शनिवार देर शाम से लेकर रविवार की सुबह तक मामला ऐसा गरमाया कि बीजेपी के भी हाथ पांव फूल गए। बीजेपी ने बहुत जल्द ये भांप लिया कि टीएमसी इसे बंगाली अस्मिता का मुद्दा बना रही है। इधर भोजपुरी गायक स्टार पवन सिंह के सुपरहिट गीत ही सियासत में उनके गले की फांस बन चुके थे। बात बंगाली अस्मिता पर आ रही थी और इसमें ममता बनर्जी बेहद माहिर है। पश्चिम बंगाल के पिछले कई विधानसभा चुनाव में ममता बांग्ला आइडेंटिटी को लेकर भारी जीत हासिल करती रही हैं। तो बीजेपी के रणनीतिकार कुछ ही घंटों में समझ गए कि ऐसे वक्त में जब पार्टी लोकसभा चुनाव में 370 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है, वहां महिलाओं और लड़कियों पर इस तरह भाषा वाले गीतों और फिल्मों के कलाकार की उम्मीदवारी से भारी नुकसान हो सकता है। भाजपा को ये भी दिख गया कि कुछ ही घंटों में तेजी से आगे बढ़ रहा ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए पार्टी ने रिस्क न लेना ही बेहतर समझा। दरअसल अपने 370 सीट जीतने के लक्ष्य और अब की बार 400 पार जैसे नारों को साकार करने के लिए बीजेपी को बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र जैसे कई राज्यों से भारी उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि हिंदी बेल्ट का समर्थन तो वैसे भी बीजेपी को 2019 में जबरदस्त मिला है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बहुत तेजी से बीजेपी ने इस दिशा में काम किया और भोजपुरी स्टार पवन सिंह को रातों रात ये समझाया गया कि पार्टी आपकी टिकट कैंसिल नहीं करेगी, आप ही पीछे हाथ खींचिए। रविवार का आधा दिन बीतने से पहले ही उन्हें कह दिया गया कि आप ऐसा ऐसा बोलकर चुनाव लड़ने से मना कर दें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जहां संदेश खाली में शाहजहां शेख के जरिए महिलाओं के अपमान के मुद्दे को लेकर टीएमसी पर हावी है, वहीं पवन सिंह की उम्मीदवारी से कहीं पासा ही न पलट जाए और बंगाल की लड़कियों की अस्मिता को लेकर टीएमसी, कांग्रेस वगैरह ने अगर नैरेटिव बिगाड़ दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इधर पवन सिंह के गीतों के टाइटल्स के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर हो रहे थे। उधर भारी दबाव के बीच उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने तंजिया अंदाज में सोशल मीडिया पर लिखा, ये बीजेपी का प्रेशर ही है जो पवन सिंह ने पर्सनल कारण बताकर नाम ही वापस ले लिया। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने एक्स पर पवन सिंह की उम्मीदवारी वापस लिए जाने वाला पोस्ट शेयर करके लिखा कि ये बंगाल की जनता की अदम्य भावना और शक्ति के कारण ही हो पाया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।